मजा आने वाला यार इस ट्रिप पे कसम से। भाई साहब इतना जाम है ना यहाँ पे, एंट्री फीस ज्यादा है। स्वयं छोड़ दे, कुछ नहीं रखा, रोज अप डाउन करता है। गाइस ये देखो नो पार्किंग है, बिल्कुल किसी ने पार्क नहीं करी हुई, एकदम एकदम खाली पड़ा है, किसी ने पार्क नहीं करी। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये है डे सेकंड इन ऋषिकेश। हाँ, और हमें ना हमारा एक्चुअली देखो ये रूम है, अंदर बंद पड़ रखा है, मत देखो। उठते ही हमें क्या नज़ारा देखने को मिला वो देखो, मतलब ये हमें उठते ही दिखा है भाई साहब, मतलब नज़ारे। और इधर भी देखो हमारी लोकेलिटी, वाह मतलब यार जस्ट लुक एट इट। बाकी हम तैयार हो चुके हैं, ये है मेरी आज की OOTD, ये है टी शर्ट ये देखो, और ये न्यू शूज़ लिए थे मैंने, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। चलते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी हम सोच रहे पहले बीटला साहब से जाएंगे, उसके बाद नीलकंठ महादेव। अभी वैसे हमने जाते हैं, अभी एक्टिवा लेनी है, तो हम अभी एक्टिवा लेने जा रहे हैं। पाजी अपनी OOTD दिखा दो, दूर जाओ थोड़ा, ये है पाजी की OOTD, इधर मुड़ो। अभी हमने बाइक बुक करी है, एक्टिवा का छोड़ दिया, बाइक हमने लिया एवेंजर, और अब जाएंगे नीलकंठ महादेव। ये बाइक हमने रेंट पे लिया 2 दिन के लिए, मज़ा आने वाला है यार इस ट्रिप पे कसम से। साहिल अपना थोड़ा फॉर्मेलिटीज कर रहा है, पेपर वर्क कर रहा है। भाई साहब इतना जाम है ना यहाँ पे, हमारे पीछे देखो जाम ही जाम। सो गाइस हमने बीच में एक स्टे लिया है थोड़ा सा, यहाँ पे पहाड़ी ऑर्गेनिक क्या लिखा है रतूड़ी भोजनालय, यहाँ पे खाना पीना कुछ देखते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, चाय वाय पियेंगे थोड़ा। यहाँ की कुछ लोकेशन तो यार बस मैं कह रहा ऐसा हर मोड़ कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब कोई भी मोड़ ऐसा नहीं है कि जो ना देखा जा सके। तो हमने थोड़ा सा खाना पीना कर लिया, वीडियो बनाना भूल गया मैं, तो अब मैं चलाऊंगा बाइक पहाड़ों में चलाने का, तो बस ये तो मैं कभी मिस नहीं कर सकता। रेडी टू गो, लेट्स गो। सो गाइस मेन जंपिंग टेंपल जंपिंग यहां पर रखते हैं, एरा पॉइंट, और एक छोटी वाली है एक बड़ी वाली है। अभी हम ऐसी लोकेशन पे रुके हैं ना, बस मैं क्या बताऊं, फोटोज भी दिखाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल मोड़ पे हैं, यहां पे सब आ जा रहे हैं। लोकेशन देखो, राफ्टिंग पॉइंट, हमने पिछली बार ना यहां से राफ्टिंग करी थी,
थक गए यार यहाँ पे तो ड्राइव कर करके। हाँ ड्राइव कर मैं रहा हूँ, थक तो रहा है, बैठ के भी थक जाता है बंदा पीछे। और व्यू देखो क्या मस्त व्यू है, यहाँ भी थोड़ा फोटो शूट करेंगे फिर चलेंगे आगे। मेरे लिए बचा भाई। सो गाइस हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है नीचे और यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, 1.5 किलोमीटर जो भी है। अभी तो बस स्टार्ट ही करा है। गुफा झील मिल गुफा तो पर्वती मंदिर चल रहे हैं, अभी स्टार्ट करा, लेट्स सी। बर्फ है, हमने गर्मी की वजह से एक शिकंजी ली है। कैसे भाजी मजा आ गया? सो हम चल रहे हैं और चल ही रहे हैं, पहुँचे नहीं अभी तक। इसलिए ना मैं वैष्णो देवी या फिर ऐसी कोई जगह नहीं जाना चाहता जैसे, क्योंकि मेरे को पता है अपना स्टेमिना मेरा इतना अच्छा है नहीं है, क्योंकि नीलकंठ यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर ही चढ़ाई है, इसी में ज़्यादा लग रहा है कि बुरी हालत हो रही है। पहुँच गए हम नीलकंठ भैया, इधर ही है ना मंदिर का रास्ता? अच्छा ये एग्जिट है, सॉरी एग्जिट पे खड़े थे हम, एंट्री उधर से है। बहुत ज़्यादा कसम से। ये हमने प्रसाद ले लिया, अब हम लंच कर रहे हैं, सुपर टेस्टी, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। नीलकंठ महादेव हो आए हम लोग, दर्शन हो गए, वहाँ पे वीडियो बनाना एकदम सख्त मना था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। तो अब हम जाएंगे बीटलेस आश्रम, वहाँ का प्लान है। अभी तो नीचे उतरते हैं, अभी 2 घंटे लग जाएंगे, काफ़ी ऊपर आए हैं हम लोग, 24 किलोमीटर। तो हमने एवेंजर को इलेक्ट्रिक एवेंजर बना दिया, देखो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही इंजन ओवर भाई। बीटलेस आश्रम, अभी यहाँ पे तो 84 कुटिया दिखता है, देखते हैं अभी से हमारा थोड़ा मतलब ना एंट्री फीस ज़्यादा है। कितनी है भाई एंट्री फीस? बजट तो है भाई अपना, बजट है बस ये कि हाँ बाकी है कि टाइमिंग कम है, क्योंकि 5 बजे का एग्जिट बोल रखा है और 4:30 बजे एग्जिट और 3:30 बज गए हैं, अभी 1 घंटा रह गया, कवर नहीं हो पाएगा। बात ये है कल आ जाएंगे, कोई नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा किनारे, थोड़ी देर वहाँ बैठ के चिल करेंगे किसी जगह पे बढ़िया छाव सी में। ओए बाबा दांत दिखा रहे हो। ये है जी एक राम झूले का एक बहुत ही प्यारा व्यू। यहाँ पे बस हमने सोचा कि आज थोड़ा सा नदी के किनारे बैठ के चिल करेंगे, नथिंग मच, और रात को एक बार फिर से राम झूले पे जाएंगे थोड़ा घूमने टहलने मजे करने। सुन्न पानी है, बिल्कुल सुन्न पानी है साहिल, ये बहुत अच्छा, वैसे बहुत अच्छी जगह है नमकीन खाने की ना। खाने का तरीका थोड़ा कैसे बहुत दूर आके नमकीन खा रहे हैं, बहुत देख लो ऋषिकेश में। ये देखो इनकी राफ्टिंग पूरी होगी भाई, हम भी राफ्टिंग करके आए हैं। ये राफ्टिंग करके आया है ये बता रहा जान के, अब कपड़े चेंज करके आए इधर जान के बैठा है। झूठ है भाई झूठ है, कोई झूठ नहीं है, मैंने करी, मेरी मम्मी ने मना कर दिया था। इस बार ना घर वालों ने बहुत मतलब थोड़ा सुनाया और बोला कि नहीं करना,
पैर नहीं डल रहे पानी में बिल्कुल भी, सुन पानी बड़ा बिल्कुल भाई। उस टाइम ना टेम्परेचर बॉडी अडेप्ट कर लेती है, अब एकदम से हमें जूतों से निकाले हैं, गर्म हो रखे थे पैर, अब एकदम सुन हो रहे हैं। चलिए बात तो बिना ब्लॉक के हो सकता है, गर्म सर्द, गर्म सर्द हो जाएंगे, गर्म सर्द हो जाएगा। भेलपुरी भाई खिला मेरे को भी, गंगा मैया किनारे भेलपुरी, वाह। बस यार ये ना पूछा कर यार, दुख होता है। अभी 3 लाख हुए हैं, अभी 3 लाख, 3 लाख है बस, ज्यादा नहीं है, 3 लाख गरीब बंदे यार, रोता रहता है, भगवान दे दो उतना रोता है। हाय कर दो एक बार कैमरे में, What's up, bro? मजे में कायाक बोल देना इसको। थोड़ा मतलब डेंजरस तो होता है ना? ये तो मजेदार है। मजेदार है? इसका इसका आपका खुद का ही है कि इसका कुछ अलग चार्जेस होते हैं? नहीं नहीं एक्चुअली हायर करते हैं चलाने के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। अच्छा अच्छा, अगर हमें पर्सनल करना हो तो मिल जाती है? क्योंकि जो वहाँ पे वो वेव्स आती है वहाँ पे मुश्किल होता है थोड़ा ना, बहुत मुश्किल होता है। इसको बैठ के घुमाओगे तो ऐसा लगेगा कि पलटने वाला हूँ मैं। हाँ हाँ सही बात है, ठीक है भैया। भाई क्या बताया आपने, कितने का बन जाता है? 4000 का पट्टे का बनता है, 500 रुपए का माल 4000 में। ये 3500 का प्रॉफिट है। सही होता 3500 डेली का प्रॉफिट है मतलब है? तो गाइस भाई यहाँ पर ये मेरी सैलरी को बोल रहा है, एक महीने की सैलरी को बोल रहा है, सैलरी ज्यादा बोल रहा है भाई बंदा। मतलब ये समझ लो गाइस, मतलब कोई कोई फायदा नहीं है ऑफिस ऑफिस जाके, ठेला खोलो बढ़िया। हफ्ते में मात्र कमाई, एक दिन में कमाता है। हां कमाई खुद का इंजॉय है ना। ओए देख जब छुट्टी करनी सब जाता, जब छुट्टी करो जब इच्छा हो। क्या बात है, खुद के दम पे कमाओ। स्वयं छोड़ दे कुछ नहीं रखा, रोज अप डाउन करता है भाई साहब। बंदा महीने का लाख रुपए छाप रहा है, 120 भाई। नहीं चल लमसम, तू लाख रुपए ले ले। Hello।
रियल कुकरी जो नागालैंड या फिर क्या बोलते हैं मैं भूल गया, उनके पास होती है, उनका वेपन होता है। आर्मी में भी अवेलेबल है ना, मतलब आर्मी में भी लीगल है। सो गाइस आज बहुत मज़ा आया, अभी हमने वहाँ से कुछ मतलब छोटा सा स्ट्रीट फूड खाया इससे, अभी बस थोड़ा रूम पे हल्का सा रेस्ट करेंगे। सारा दिन घूम रहे, पैर दुख रहे बहुत ज़्यादा, रूम पे रेस्ट करेंगे थोड़ा, और उसके बाद रात को लक्ष्मण झूला जाएंगे घूमने। और कल का तो जो भाई प्लान है कुंजापुरी माता जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, सनसेट सॉरी सनराइज़ देखेंगे, बस यार लगे रहो। सो गाइज हमने रेस्ट कर लिया प्रॉपर, मज़ा आ गया, कम से कम एक डेढ़ घंटा आराम से फ्रेश हो गए। अब जा रहे हैं दोबारा से हम राम झूले पर, थोड़ा बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे वहाँ, मोमोज खाएंगे, मोमोज खाने देखते हैं, मोमोज खाएंगे या फिर कुछ मिल जाए बढ़िया सा। कोल्ड स्टार्ट पे हमने स्टे किया हुआ है। गाइस ये देखो नो पार्किंग है, बिल्कुल किसी ने पार्क नहीं करी हुई, एकदम एकदम खाली पड़ा है, किसी ने पार्क नहीं करी। क्या दिख रहा है, दिख नहीं रहा क्या? ओ पार्किंग हिंदी में तो देख नहीं, चलो यार छोड़ो फिर ले नहीं आए, जहां नो पार्किंग लिखा हुआ वहां पार्क करनी होती है, समझ गया? समझ गया समझ गया, चलो नो पार्किंग भाई, बिल्कुल पार्किंग नहीं है। लाइट में रात हो जाएगी, सबकी हूटिंग स्टार्ट हो गई है, और भाई क्या व्यू आ रहा है। तो अभी हम राम झूले के साथ वाली मार्केट में आए हैं खाने पीने, इससे बेस्ट ट्रीट नहीं हो सकती, क्या मस्त व्यू है तो यार। तो फिर से लाइट चली गई है, लगता है कोई स्विच के साथ खेल रहा है। 12 प्लग ऑन ऑफ अब एकदम से आएगी, शॉट बड़ा मस्त आने वाला है। ओ झटका था, आया था झटका था, आया था एक। तो मैंने कुछ सोवेनियर्स लिए, तो ये है एक मैंने मिनट ग्लास लिया है, और एक मैंने ये की चेन लिया है, ये वाला तो देखो ये वाला। जब जीटी आ जाएगी ना तो जीटी की चाबी में लगाऊंगा, जीटी की चाबी में। तो गाइस घूमाए हम रात का, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, थक गया भाई, बहुत ज़्यादा थक गया, काफ़ी टाइम मतलब हमने ना टोटल कितना 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा, घूम पे जा रहे हैं, और आप कल मिलते हैं, कल जाएंगे कुंजापुरी कैपिटल, सुबह सुबह निकलना, बहुत तगड़ी, बाय बाय, see you all.